हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है मोहसिन रजा और मैं बाय प्रोफेशन एक ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर हूँ। तो दोस्तों, पिछली बार की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक बड़ी छोटी सी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम लेकर आया हूँ दोस्तों, कि ऐसा क्यों होता है कि दो नेगेटिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैंने लिया है -3 मल्टीप्लाइड बाय -2। ये आप जानते हैं कि ये +6 के इक्वल होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम दो नेगेटिव इंटीजर्स लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि हम इसको कैसे शो कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि नंबर लाइन पर मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। तो आइए पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं और बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, तो मैंने नंबर लाइन बना ली है। अब देखते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमारे दोनों नंबर पॉजिटिव होते तो नंबर लाइन पर हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए पहले आप ये जान लीजिए कि जो फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है, इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है। ये जो फर्स्ट नंबर है दोस्तों, ये हमको ये बताता है कि हमें नंबर लाइन पर किस ओर देखना है। अगर हमारा फर्स्ट नंबर दोस्तों पॉजिटिव है तो हम नंबर लाइन की पॉजिटिव साइड की तरफ देखेंगे, और अगर हमारा नंबर नेगेटिव है तो हम नेगेटिव साइड की तरफ देखेंगे दोस्तों। तो अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है तो हम देखेंगे पॉजिटिव साइड की तरफ, और अगर हमारा नंबर नेगेटिव है तो हम देखेंगे नेगेटिव साइड की तरफ। इसी तरह दोस्तों, ये जो सेकंड नंबर है, ये हमको बताता है कि क्या हम चलेंगे सीधा या हम चलेंगे उल्टा, यानी कि वेदर वी विल मूव फॉरवर्ड और वी विल मूव बैकवर्ड। तो दोस्तों, अगर आपका सेकंड नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हम चलेंगे फॉरवर्ड, यानी कि हम जिस तरफ देख रहे हैं हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, अगर हमारा सेकंड नंबर है नेगेटिव नंबर तो दोस्तों हम जिस तरफ देख रहे हैं उससे चलेंगे बैकवर्ड्स। तो दोस्तों, आइए इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं नंबर लाइन पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारा पहला नंबर है पॉजिटिव, तो हम शुरुआत करेंगे पॉजिटिव साइड की तरफ देखते हुए। और दोस्तों, क्योंकि हमारा सेकंड नंबर भी पॉजिटिव है, दैट मींस हमें चलना है फॉरवर्ड। तो अब दोस्तों, हमें करना क्या है, हमें एक स्टेप लेना है 3 का और टोटल स्टेप लेने हैं हमें 2। तो वी विल टेक 2 स्टेप्स ऑफ 3 नंबर्स ईच। सो लेट्स टेक इट फ्रेंड्स। सो एज यू कैन सी फ्रेंड्स, वी हैव रीच्ड 6, वी हैव रीच्ड टू 6 एंड विच इज करेक्ट, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 6। ओके दोस्तों, अब हम इसका एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें कि हमारा फर्स्ट नंबर एक नेगेटिव इंटीजर है, फिर ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि अब हमारा फर्स्ट नंबर एक नेगेटिव इंटीजर है तो हम मल्टीप्लिकेशन की शुरुआत नेगेटिव साइड की तरफ देखते हुए करेंगे। और दोस्तों, क्योंकि हमारा सेकेंड नंबर अगेन एक पॉजिटिव नंबर है तो हम जिस तरफ देख रहे हैं हम उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि हम -6 पर पहुंच गए हैं, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज -6। ओके दोस्तों, अब हम इसका एक थर्ड केस लेते हैं। दिस टाइम हमारा जो सेकंड इंटीजर है वो नेगेटिव इंटीजर है और हमारा फर्स्ट इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर है दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम तो कैसे करेंगे नंबर लाइन पर मल्टीप्लीकेशन। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस बार हमारा, क्योंकि फर्स्ट नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो हमारी मल्टीप्लिकेशन की शुरुआत होगी पॉजिटिव साइड की तरफ देखते हुए। और क्योंकि हमारा सेकंड नंबर एक नेगेटिव नंबर है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब की बार हम फॉरवर्ड नहीं जाएंगे, अब की बार हम बैकवर्ड जाएंगे, हम जिस तरफ देख रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे दोस्तों। और आप देख रहे हैं दोस्तों कि हम पहुंच गए हैं -6 पर, जो कि बिल्कुल ठीक है, -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज -6। ओके दोस्तों, तो अब हम दोस्तों अपनी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर हमें ये देखना है कि कैसे दो नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट एक पॉजिटिव इंटीजर होता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इसको नंबर लाइन पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं।
ओके दोस्तों, तो जैसा आप देख ही रहे हैं कि हमारा पहला इंटीजर है नेगेटिव इंटीजर, तो हम किस तरफ देखेंगे दोस्तों? यस राइट, हम देखेंगे नेगेटिव साइड की तरफ। और दोस्तों क्योंकि हमारा सेकंड नंबर भी इस बार नेगेटिव है, तो हम किस तरफ चलेंगे? हम चलेंगे बैकवर्ड्स, हम देख रहे हैं नेगेटिव साइड की तरफ, लेकिन चलेंगे पॉजिटिव साइड की तरफ दोस्तों। और आप देखिए हम कहां पहुंच गए, हमें क्या मिला दोस्तों? हमें मिला है पॉजिटिव सिक्स। और दोस्तों इस तरह हम नंबर लाइन की सहायता से दिखा सकते हैं कि कैसे दो नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेथड समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और बेल आइकॉन जरूर हिट कीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में अपनी नई वीडियोस अपलोड करूँ यूट्यूब पर तो आपको एडवांस में ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू दोस्तों।